तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक और लग्जरी स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है फायरबोल्ट लेगेसी। दोस्तों इसे मैंने फ्लिपकार्ट से कल परचेज कर लिया था 3799 में, और दोस्तों कल से यूज भी कर रहा हूं, बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना। पहले दोस्तों मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, बॉक्स के ऊपर में फायरबोल्ट की ब्रांडिंग, और दोस्तों यहां पे इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे हैं जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, और दोस्तों स्क्रीन साइज भी इन्होंने मेंशन कर रखा है 1.43 इंचेस इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रहा है। यहां पे भी दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे, और दोस्तों बैक साइड में भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट दे रखे, सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स कंटेंट में आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों एक वारंटी कार्ड भी दे रखा है। वायरलेस चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी ठीक लग रही है, और लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक दे रखी है, तो वॉच को चार्ज करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा सिलिकॉन का स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों डिजाइन प्राइस के हिसाब से मुझे काफी ठीक लगा है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है, इसमें आपको दो मल्टीफंक्शन बटन देखने को मिलते हैं, और दोस्तों इसमें आपको फंक्शनल क्राउन बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे वाले बटन से दोस्तों आप अपने स्पोर्ट्स मोड को ऑपरेट कर पाएंगे। बैक साइड में दोस्तों इन्होंने ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक यूज किया, सारे सेंसर, यहां पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा, और दोस्तों यहां पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो मेटल यूज किया वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, और दोस्तों इसमें आपको रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिल जाएंगे, तो दोस्तों लेदर के स्ट्रैप भी इसमें आप लगा पाएंगे, और दोस्तों सिलिकॉन के भी स्ट्रैप आप इसमें लगा पाएंगे। डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले मुझे काफी ठीक ठाक लगा है, 1.43 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 466x466 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ, तो दोस्तों कलर्स वगैरह इसके डिस्प्ले में आपको अच्छे से दिखाई देते हैं, और दोस्तों आउटडोर की जो विजिबिलिटी है वो भी मुझे काफी ठीक ठाक लगे। अगर आप इसे आउटडोर में फुल ब्राइटनेस पे यूज करोगे तो वहां पे आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, और दोस्तों बॉक्स पे इन्होंने मेंशन कर रखा था 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ इस पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसमें आपको 30 या 40Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिल रहा है। तो ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगाया जिससे आपको इसके बेजल्स वगैरह समझ में आ जाएंगे अच्छे से, काफी नैरो बेजल्स के साथ इसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये वॉच आपको IP68 रेटेड मिल जाती है, तो दोस्तों फुली वॉशेबल है, इसे पहन के आप हैंड वॉश करो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और दोस्तों वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, और दोस्तों साबर वगैरह में भी आप इसे यूज कर पाओगे, लेकिन दोस्तों स्विमिंग करते टाइम अगर आप इसे यूज करना चाह रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको 15 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना है। और दोस्तों वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्मार्ट टाइम प्रो, ये आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, अपनी वॉच को कनेक्ट भी कर लिया है। ऐप की यूआई मैं आपको दिखा देता हूं, ऐप की यूआई कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, अगर आप डिवाइस में जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपकी वॉच का मॉडल नंबर दिख जाएगा, और दोस्तों बैटरी स्टेटस वगैरह भी चेकआउट कर पाएंगे। यहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, यहां पे दोस्तों प्रोफाइल देखने को मिलती है। तो वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी यूआई और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। यूआई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा सा लैग करता है, अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे तो यहां से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप चेंज कर पाएंगे, और दोस्तों ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस चेंज कर पाएंगे, यहां पे आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों कस्टम वॉच फेस में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से आप अपनी पिक्चर भी लगा पाएंगे। राइट टू लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, यहां पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटर देखने को मिलता है, यहां पे दोस्तों SPO2 मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है, तो दोस्तों आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, पॉज, और दोस्तों वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। यहां से वेदर अपडेट ले पाएंगे, यहां पे आपको ऐप QR कोड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहां पे आपको कॉन्टेक्ट साइन करने का फीचर देखने को मिलता है, कॉल हिस्ट्री और डायल अप एड दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, यहां पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप स्वैप डाउन कर रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिल जाएगा, यहां से दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर पाएंगे, यहां पे आपको वॉच को साइलेंट करने का फीचर देखने को मिल जाएगा, DNE मिल जाता है, और दोस्तों ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे, यहां पे आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों सेटिंग को बाद में चेकआउट कर लेंगे। यहां से दोस्तों बैटरी स्टेटस और डेट वगैरह इधर ही से चेकआउट कर पाएंगे। स्वैप अप कर रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वैप करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको वही शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। आप मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस कर रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको मेन्यू देखने को मिल जाएगा, मेन्यू में सबसे पहले आपको मिलता है स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको 100+ स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट करना है उस पर आपको टैप करना है, आपका स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स रिकॉर्ड देखने को मिलता है, डायरा पैड कॉन्टैक्ट साइन कर पाएंगे, और दोस्तों हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटर दे रखा है, स्लीप मॉनिटर, यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर देखने को मिलेगा, SPO2 मॉनिटर, ब्रीथ ट्रेनिंग देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको नोटिस वगैरह देखने को मिल जाएगा, अलार्म, यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है, वेदर अपडेट ले पाएंगे, कैमरा कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टॉप वॉच, टाइमर देखने को मिलेगा, बल्ड क्लॉक, वॉइस असिस्टेंट, स्टॉक वगैरह, और दोस्तों स्टैंड बाई डायल देखने को मिल जाता है। स्टैंड बाई डायल में जा रहे हो तो दोस्तों आप अपनी वॉच को डिजिटल डायल पे और दोस्तों पॉइंटर डायल पे रख पाएंगे। अगर आप डिजिटल डायल पे रख रहे हैं तो दोस्तों आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अगर आप पॉइंटर डायल करेंगे तो दोस्तों आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सेटिंग को भी चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने का फीचर देखने को मिलेगा, डू नॉट डिस्टर्ब, और दोस्तों लैंग्वेज स्विच करने का फीचर मिल जाएगा, मेन्यू स्टाइल। अगर आप मेन्यू स्टाइल में जा रहे हो तो दोस्तों तीन तरीके से आप अपने मेन्यू को चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम मेन्यू देखने को मिलता है, अगर आप सिस्टम मेन्यू में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको पावर ऑफ, फैक्ट्री रीसेट और दोस्तों रिबॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाई डायल देखने को मिलेगा और अबाउट। तो ये थे वॉच के फीचर और UI। फीचर दोस्तों मुझे काफी ठीक लगे, जो लग्जरी वॉच में होना चाहिए वो सारे फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों UI ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड किया है, इसका डिस्प्ले थोड़ा थोड़ा लैग भी कर रहा है। तो इसके बैटरी बैकअप की बात करूं तो बैटरी बैकअप मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो वहां पे आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, अगर आप ज्यादा हैवी यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, अगर आप इसे नॉर्मली यूज करो विदाउट कॉलिंग तो वहां पे आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच आपको देने वाली है। और दोस्तों रही बात इसके सेंसर की एक्यूरेसी की, तो हर एक वीडियो में बोलता हूं अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इन सब वॉच के सेंसर पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं, इसके सेंसर सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज करो। तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की रीडिंग आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो मेरी वॉच में 69 बीट्स पर मिनट दिख रहा है, और दोस्तों मेरे प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 66 दिख रहा है, तो दोस्तों यहां पे काफी क्लोज रीडिंग मुझे मिल रहे हैं। SPO2 मॉनिटर भी काफी ठीक से वर्क कर रहा है, मेरी वॉच में 97% अभी दिखा रहा है ब्लड में ऑक्सीजन, और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा है। स्ट्रेस लेवल चेकआउट किया तो यहाँ पे 54 दिख रहा है, मतलब कि मीडियम। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सही रीडिंग शो कर रही है स्मार्ट वॉच। हार्ड सरफेस पे रख के देखा तो यहाँ पे इसने बहुत जल्दी से एरर दिखा दिया, तो दोस्तों बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों वॉच का इन हैंड लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है, अगर आप इसे सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ यूज करेंगे तो दोस्तों स्लीप ट्रैकिंग के लिए और वर्कआउट के टाइम यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे मेटल स्ट्रैप के साथ यूज कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे इसका काफी ज्यादा वेट हो जाता है। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, जहां से आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाओगे। रिसीव करने के बाद आपको कॉल को म्यूट करने का फीचर मिल जाएगा, कॉल को ट्रांसफर कर पाएंगे और दोस्तों वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट करने का फीचर मिल जाएगा। कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो इसे मैं आउटडोर इंडोर कॉलिंग के लिए यूज कर रहा था, इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कॉलिंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको एक रियल टाइम टेस्ट करके भी दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हेलो, हाँ यार, मेरे पास एक फायरबोल्ट का वॉच है, उसी से मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, तो ये बताओ इसके माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहे हैं, क्लियर वॉइस है। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं यार, नॉर्मल वॉइस है। नॉर्मल है ना, ओके, कॉलिंग के लिए ठीक रहेगी ना ये वॉच? हाँ, अच्छी रहेगी। चलो, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अब बात आती है 3799 में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से फीचर मुझे काफी ठीक लगे, लेकिन दोस्तों डिस्प्ले ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड किया है। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों यही था फायरबोल्ट लेगेसी स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए है या इसी तरीके का आगे भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।